नमस्कार, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का की बुक अपरा का पाठ 7, मुक्ति योद्धाओं के शिविर में, जिसके लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री। हम लोगों की पिकअप की हेडलाइट की भरपूर रोशनी में तनी हुई संगीन चमक उठी। झटका खाकर जीप रुक गई। कैप्टन रशीद खड़े हुए। उनको देखते ही संतरी ने सलाम ठोका। दरवाज़ा खुला और हम लोगों ने मुक्ति योद्धाओं के शिविर में प्रवेश किया। कलकत्ते से 200 मील दूर उत्तर बांग्लादेश के किसी अंचल में अवस्थित उस शिविर के जवानों से मिलने के लिए एक जीप तथा दो मोटरों में हम लोग 16 मई को सुबह 9:30 बजे कलकत्ते से रवाना हुए थे। हम लोग यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय बांग्लादेश सहायक समिति के मंत्री प्रोफेसर दिलीप चक्रवर्ती, मैं, विश्व भारती के 3 प्राध्यापक, 2 अध्यापिकाएं, 2 समाज सेविकाएं और बांग्लादेश मिशन के एक विशिष्ट प्रतिनिधि, अपने देश की जनता की आंतरिक सहानुभूति के प्रतीक के रूप में हम लोग काफ़ी असामरिक सामग्री उन्हें भेंट देने के लिए गए थे। जेठ की तपती दोपहरी और लंबी यात्रा ने तन को थका तो दिया था, किंतु मन उत्साह से भरा था। जब हम लोग कुछ अनिवार्य कारणों से रुक रुक कर सांझ के समय सीमा पर पहुँचे, सीमावर्ती भारतीय अधिकारियों के स्नेह, सौजन्य एवं सहयोग को तो हमने स्वीकारा, किंतु चाय शाय के चक्कर में नहीं पड़े। मार्गदर्शक मिलते ही हम लोग आगे बढ़े। 7:30 के करीब हम लोग बांग्लादेश की मुक्ति फौज की स्थानीय अधिकारी कैप्टन रशीद के छोटे से प्रशासनिक शिविर में पहुँचे। कैप्टन ने प्रेम से हम लोगों का स्वागत किया। पहले वे पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी में थे, फिर पूर्वी बंगाल के किसी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में थे। उत्तरदायित्व का बोध और संघर्ष का संकल्प उनके चेहरे पर स्पष्टतः अंकित था। पाकिस्तानी फौज से हुई कई मुठभेड़ों का नेतृत्व वे कर चुके थे। आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित पाकिस्तानी सैन्य बल के सम्मुख उनकी टुकड़ी टिक नहीं पाई, किंतु दुश्मन की उन्होंने करारी चोटें पहुंचाई थी। उनकी कर्मठता और योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी टुकड़ी को बिखर जाने से बचाया था और एक लंबे युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार अब नए सिरे से उनका पुनर्गठन कर रहे थे। लड़ाई की कठोरता ने उनके चेहरे को सख्त बना दिया था, किंतु अब वे हंस सकते थे। ये किसके बारे में बात हो रही है? कैप्टन रशीद, जो बांग्लादेश की मुक्ति फौज के स्थानीय अधिकारी थे। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी यह देखकर हुई कि 30-35 मिनट की बातचीत में उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, ना भाग्य की, ना नेतृत्व की, ना सामग्री के अभाव की। जो नहीं हो सका वह क्यों नहीं हो सका, इसके बारे में हवाई तर्क करने और दूसरों को दोष देने की सामान्य मानवीय दुर्बलता उनमें नहीं दिखी। राजनीतिक चर्चा में भी उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। हमारे एक साथी ने जब बांग्लादेश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में व्याप्त मतभेदों की चर्चा करते हुए कुछ आलोचना शुरू की, तो उन्होंने उस प्रसंग को बंद करते हुए कहा, मैं सिपाही आदमी हूँ, इतना जानता हूँ कि पाकिस्तानियों ने 23 सालों तक लगातार मेरे देश का शोषण किया है, हमें गुलाम बनाकर रखा है। इस लड़ाई में उन्होंने जिस विश्वासघात का तथा पशुता का परिचय दिया है, उससे ये साफ है कि हमारे देश को अपने कब्जे में रखने के लिए नीचता की किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसका एक ही जवाब है, जीतने तक युद्ध करते जाना। इन परिस्थितियों में लड़ाई कैसे चल सकती है, कैसे सफल हो सकती है, मेरी समस्या यही है। राजनीतिक दांवपेच मैं नहीं जानता, उसके लिए आप इनसे बात कीजिए।
इस दो टूक उत्तर ने मुझे जीत लिया। बंगाली अल्पभाषी भी हो सकता है और राजनीति चर्चा विरत भी, यह मेरे लिए नई अभिज्ञता थी। इस युद्ध से, बल्कि शेख मुजीब के पूरे आंदोलन से पूर्व बंगाल के लोगों में नई चेतना का उदय हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग इधर बातचीत कर रहे थे, उधर वीणा दी, मीना जी सूची से मिलाकर सब सामग्री क्वार्टर्स मास्टर को संभला रही थी। बातचीत के मध्य हमें पता चला कि जहां हम थे उसके इर्द गिर्द ही दो शिविर और थे, एक नए रंग रूटों का, दूसरे पुराने ईपीआर के उन जवानों का जो लड़ाई में हिस्सा ले चुके थे और उनकी संख्या 50 के करीब थी। उन्हें सैनिक शिक्षा दी जा रही थी। पुराने जवानों की संख्या 250 के करीब थी और अब उन्हें विशेष रूप से गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। स्वभावतः हम लोगों ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। कैप्टन मुस्कुराए, बोले, अच्छा आप लोग इतनी दूर से चले आ रहे हैं, थोड़ा सुस्ता लीजिए और नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ले चलूँगा। नाश्ते में हम लोगों ने आपत्ति की पर कैप्टन नहीं माने। बोले, आप लोग हमारे यहाँ मेहमान हैं, हम लोगों के लिए इतनी चीज़ें लाए हैं, यह कैसे हो सकता है कि हम लोग आप लोगों की खातिर ना करें। जवानों का शिविर उस स्थान के करीब 1.5-2 मील दूर था। रास्ता कच्चा और ख़राब था, अतः हम लोगों ने दोनों गाड़ियां वहीं रही। मुक्ति फौज की बड़ी पिकअप जीप आगे आगे और अपनी जीप पीछे पीछे चली। मैं कैप्टन के साथ अगली जीप में था। कैप्टन के साथ स्टेन गन लिए उनका अंग रक्षक भी था। चांद अभी तक नहीं निकला था। घोर निस्तब्धता और घने अंधेरे के बीच उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ रही दो जीपें, जिनकी हेडलाइट अंधेरे को चीरकर प्रकाश के झरने के समान झर रही थी। ऊपर तारों भरा निर्मल आकाश था। कलकत्ते के धूल और धुएं से भरे आकाश में इतने तारे कहाँ से दिखते हैं, और यह हवा, यह उन्मुक्त प्राकृतिक विस्तार। सामने से कोई जंतु दौड़ गया। ब्रेक के झटके ने विचारधारा को भी झकझोर दिया। लगा ऐसा ही अंधेरा बांग्लादेश के ऊपर भी छा गया है, क्या वह दूर होगा। तभी मेरे मन में कौंध गई नसीमुन आरा की पंक्तियाँ, ए आंधार कूल प्लावी कत छन दूबे तिमिर हन नेर आमर कंठे, मतलब किनारों को डुबो देने वाला अंधेरा टिक सकेगा कितनी देर। अंधेरे को चीर देने वाला गान मेरे कंठ में। कैप्टन रशीद और उनके साथी अंधेरे को चीर देने की साधना में ही तो लगे हैं। तभी संतरी की आवाज़ सुनकर मैं भाव जगत से फिर वस्तु जगत में आ गया। एक बड़ा सा मैदान जिसके बीचों बीच विशाल बरगद का पेड़, दो तरफ फौजी छावनी। हम लोगों की जीपें अहाते में घुसी तो जवान बाहर निकल गए। बांग्लादेश मिशन के जो प्रतिनिधि हम लोगों के साथ आए थे वे जवानों को संबोधित कर कुछ कहने वाले थे, अतः कैप्टन ने उन्हें करीने से व्यवस्थित कर बैठा दिया। रास्ते के पड़ावों में हम लोग रविंद्रनाथ के देशभक्ति मूलक गीत और कविताएं सुनते सुनाते आए। अब स्वाभाविक था कि हम लोगों से जवानों को गीत कविता आदि सुनाने का अनुरोध किया जाता। हम लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। चारों तरफ अंधेरे से जूझती हुई चार लालटेनें, इधर उधर के संतरियों के बीच बीच में चमक उठाने वाली टॉर्चें, बरगद के पेड़ के नीचे दो मेज़ें, कुछ कुर्सियां, सामने व्यूबद्ध 250 मुक्ति योद्धा, कुछ मिलाकर रहस्यपूर्ण रोमांचक वातावरण। सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट टुन्नू मियाँ उस फौजी सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की सबसे पहले बांग्लादेश का राष्ट्रगीत गाया जाएगा। पार्थ, वीणा दी, मीना जी तथा
अन्यों के परिशीलित सुरीले शांति निकेतन स्वर गूंजे, आमार सोनार बांग्ला आमितोमार भालोवासी। जवानों के साथ साथ हम बस सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। ओ मेरे सोने के बंगाल, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। देश को कैसे प्यार किया जाता है? क्या देश प्रेम केवल जवानी जमा खर्च है? नहीं नहीं, देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ बलि वेदी पर चढ़ाने के लिए जो तत्पर न हो, उसे क्या हक है यह कहने का कि ओ मेरे देश, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरे सामने जो लोग खड़े थे, उन्होंने अपना सब कुछ होम दिया था। अब प्राणों को हथेली पर लिए दुश्मन से जूझने को, उसे मार भगाने को कटिबद्ध थे। हाँ, उन्हें यह हक है कि वे यह कहे, आमार सोनार बांग्ला आमी तोमार भालोवासी। फिर मेरा नाम पुकारा गया। परिचय देने के बाद मुझसे कहा गया कि मैं बांग्लादेश की नई संग्रामी कविताएं सुनाऊं। कविताएं सुनाना मेरा नशा है, मुझसे कहा गया, किंतु उतनी तन्मयता से मैंने शायद ही कविताएं सुनाई हो। पहले सुनाई सिकंदर अबू जफर की कविता आमादेर संग्राम जलवेई। अंधेरी कब्रगाह में उषा के बीज बोने वालों का दृढ़ संकल्प व्यंजित हुआ है उस कविता में। मैंने उसका अनुवाद भी किया। उसकी आरंभिक पंक्तियां हैं, दी तो है शांति देंगे स्वस्ति भी, दे चुके संभ्रम देंगे अब अस्थि भी, प्रयोजन हुआ तो देंगे नदी भर रक्त, हो ले पथ बाधा के पत्थर और सख्त, अविराम यात्रा के लिए चिर संघर्ष से, एक दिन पहाड़ बह चलेगा ही, चलेगा ही, चलेगा ही, संग्राम यह चलेगा ही। कविता शेष हो गई, लेकिन मुझे लगा कि श्रोताओं की प्यास बुझी नहीं। मैंने दूसरी कविता सुनाई, नसीमुन आरा की तिमिर हननेर गान आमार कंठे, आमार हाते ई चाबी आवसी दिनेर। किसी बड़े उद्देश्य की जब कोई कवि अपनी संपूर्ण भावात्मक सत्ता भावात्मक सत्ता द्वारा स्वीकार कर लेता है, तो उसका स्वर कितना उदात्त हो जाता है। सिकंदर और नसीमुन दोनों अभी छात्र ही हैं, किंतु ये कविताएं कितनी वजनदार हैं, कितनी धारदार हैं। मेरी काव्य पाठ जो ही समाप्त हुआ, स्वतः स्फूर्त तालियों की गड़गड़ाहट से परिवेश गूंज उठा। मुझे खुशी हुई कि जवानों ने इन कविताओं को पसंद किया। बांग्लादेश मिशन के प्रतिनिधि ने अपने संक्षिप्त किंतु तेजस्वी भाषण में कहा, लड़ाई चालू है और आखिरी जीत तक चालू रहेगी। जीत हमारी होगी ही, क्योंकि हमारी सारी जनता इस शोषण और गुलामी का केवल सीमावर्ती अंचलों में ही नहीं, बांग्लादेश की समस्त भूमि पर विरोध करती है। हमारी लड़ाई किसी जोश खरोच के साथ चालू हो जाती है, उसके विषय में मैं और क्या कहूँ। अपने शिविर पहुंचकर कैप्टन ने फिर एक बात हम लोगों को धन्यवाद दिया। मैंने अपने साथ धर्मयुग के बांग्लादेश विशेषांक के प्रति ले गया था, जो मैंने उन्हें भेंट की और चाहा कि यदि कोई मुद्रित या लिखित साहित्य उनके पास हो तो वो मुझे दें। वे बोले, हम लोग अभावों के बीच जी रहे हैं, न हमारे पास यथेष्ट शस्त्रास्त्र है, न दवाइयां हैं, न पैसा, इसलिए हम अभी तक अपना साहित्य मुद्रित प्रकाशित नहीं कर पाए हैं। हम जानते हैं कि इसकी बहुत ज़रूरत है, हम इसकी योजना भी बना रहे हैं, पर अभी तो मैं आपको एक छोटे से पर्चे के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकूंगा। यह पर्चा हमने बड़ी संख्या में बांग्लादेश की सामान्य जनता में बांटा है। मैंने आग्रहपूर्वक उस पर्चे की मांग की। वे भीतर गए, दो कागज़ लिए हुए बाहर आए और मुझे देते हुए बोले, लीजिए, यह तो वह छपा हुआ पर्चा है और यह है हम लोगों के दैनिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम। इससे आप समझ सकेंगे कि हम लोग दिन के समय क्या करते हैं। रात की कार्यवाही का कुछ संकेत तो मैं आपको दे ही रहा हूँ।
विदा का क्षण आया। दोनों हाथों से कैप्टन का दाहिना हाथ दबाते हुए मैंने कहा, भगवान ने चाहा तो हम लोग फिर मिलेंगे, और यहाँ भी और ढाका में भी। मृत्यु की भर्त्सना दिन रात हम ढोते हैं कि अंदाज में वे मुस्कुराए और बोले, जय बांग्ला। हम सब ने दोहराया, जय बांग्ला। मेरे सामने उनके दिए हुए दोनों कागज़ पड़े हैं। सुबह 5:30 से रात के 10 बजे तक का व्यस्त सैनिक कार्यक्रम। गुरिल्ला योद्धाओं को विस्फोटकों, मोटरों, मशीन गनों, हथगोलों आदि का प्रयोग तो सिखाया ही जाता है। सामाजिक एवं राजनीतिक नेतृत्व भी उनकी क्षमता के विकास पर भी पूरा जोर दिया जाता है। ध्वंस और निर्माण दोनों साथ साथ ही तो चलते हैं। दूसरा कागज़ अपने देश की जनता के प्रति किया गया मुक्ति योद्धाओं का निवेदन है, जिसमें उन्होंने अपने स्वरूप और लक्ष्य को स्पष्ट किया है। इसका प्रकाशन तब हुआ था जब बांग्लादेश में मुख्य नगरों और यातायात के साधनों पर उनका अधिकार था। आज स्थिति बदल गई है, फिर भी उनका मौलिक स्वरूप और लक्ष्य नहीं बदला है। अतः उनके बलिदानी प्रयास की सफलता की कामना करते हुए मैं उचित समझता हूँ कि उनकी बात का मुख्य अंश उनके शब्दों में आप तक पहुँचा दूँ। हम स्वाधीनता और गणतंत्र के विश्वासी हैं, मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं, इसलिए हम संग्राम कर रहे हैं। हम बांग्लादेश में जुल्मबाजी नहीं चाहते, हम संत्रासपूर्ण शासन से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए हम संग्राम कर रहे हैं। जिस दिन तक हम 7.5 करोड़ बंगाली स्वाधीन बांग्लादेश के नागरिक नहीं बन जाते, उस दिन तक यह संग्राम शेष नहीं होगा। शांति और गणतंत्र के शत्रु हमारी स्वाधीनता की आकुलता को कुचल देना चाहते हैं, किंतु वे पूर्णतः पराजित होंगे। हम लोगों की जय सुनिश्चित है। मुक्ति योद्धा आप लोगों के समर्थन की कामना करते हैं। प्रत्यक्ष संग्राम में योग देना यदि आपके लिए संभव न हो, तो भी दूसरी तरह से सहायता करने के लिए बहुत से रास्ते खुले हैं। शांति स्थिर रहे, मन मजबूत रहे। स्वाधीनता हम लोगों का जन्मगत अधिकार है। हम लोगों की जय होगी ही। जय बांग्ला। अभ्यास के लिए प्रश्न, ये प्रश्न आपको इस बुक में से, इस पाठ में से देख के करने हैं और कमेंट भी करना है। कठिन शब्दार्थ इसके देख लेते हैं। मुक्ति योद्धा, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी। सांझ, शाम का समय, रेगुलर, नियमित, दाव पेच, कार्य सिद्ध हेतु विभिन्न उपाय। दो टूक उत्तर देना, यानी कि सीधा उत्तर देना। अल्पभाषी, कम बोलने वाला। अभिज्ञता, जानकारी। गुरिल्ला युद्ध, छिपकर युद्ध करने की पद्धति। खातिर करना, आपभगत करना। निस्तब्धता, शांति, निर्मल, स्वच्छ, भाव जगत, कल्पना लोक। वस्तु जगत, यानी कि यथार्थ लोक। व्यंजित होना, प्रकट होना। तेजस्वी, तेज युक्त, प्रतापी या कांतिमान। यथेष्ट, पर्याप्त। संत्रास, अत्याचार। धन्यवाद।